नमस्कार एंड एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजमेंट ब्लॉग्स में। उन ईंटों से लगाव गजब की होती है जिसमें इतिहास की खुशबू छुपी होती है। आज फिर हम इतिहास के कुछ पन्ने को पलटने वाले हैं और इस बार हम बात करेंगे केसरिया स्तूपा के बारे में। केसरिया स्तूपा जो कि चंपारण से 34 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ये जगह बौद्ध धर्म के लोगों का एक धार्मिक स्थल है और लोगों को यह जगह खासा पसंद आता है। भगवान बुद्ध जब महापरिनिर्वाण ग्रहण करने कुशीनगर जा रहे थे तो वो एक दिन के लिए केसरिया में रुके हुए थे। जिस स्थान पे वो रुके हुए थे उसी जगह पर कुछ समय बाद सम्राट अशोका ने उनके स्मरण के रूप में स्तूप बनवा दिया। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। वर्तमान समय में यह स्तूप 1400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 51 फीट है। हालांकि अलेक्जेंडर कनिंगम के अनुसार जब यह स्तूपा को खोजा गया था तो यह स्तूप 70 फीट का था, लेकिन फिलहाल इस स्तूप की हाइट 51 फीट ही बताई जाती है। पहले इस जगह को उतना महत्व नहीं दिया जाता था और ना ही यहाँ की कनेक्टिविटी सही थी, लेकिन अभी कुछ सालों में यहाँ बहुत सुधार देखने को मिला है जो कि इस प्लेस के लिए बहुत बढ़िया बात है। केसरिया स्तूपा एक हिडन प्लेस है जिसके बारे में लोगों ने उतना चर्चा नहीं किया है और ना ही बताया है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बिहार में ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है और हमें जानने की आवश्यकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आपसे मुलाकात होगी एक अलग वीडियो में एक अलग हिडन प्लेस की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।